लेते हैं डिसीजन को बैठ कि हम वेलकम करते हैं, वी आर थैंकफुल कि इतने 5 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंड देन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया है। इनफैक्ट आपस में हम मजाक के तौर पे कह रहे थे, जब लिकर बैन हुआ था, हाईवे बैन हुआ था, तब भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट द सेम डेट्स थी। अगस्त एंड में ही जाके सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना तब डिसीजन रिवर्स किया था। सो ये सेकेंड टाइम इन 4 ईयर्स हमारे लोगों के साथ हुआ है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द इंडस्ट्री, बट यस वी वेलकम इट जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू नो कि अब किस तरीके से आप ये री ओपन करने वाले, क्योंकि इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एवरीवन। आफ्टर 5 मंथ्स स्टाफ का क्रंच होगा, प्रॉब्लम्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, रेंट के इश्यूज हैं। तो अब एक तारीख है आज से, हालांकि बोल दिया गया है कि आप ओपन कर सकते हैं, अभी किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मल्टीपल इशूज़ हैं, आपने बिल्कुल राइटली कहा। सबसे पहले तो एक गवर्नमेंट एंगल है कि हमारी लाइसेंस फ़ी जमा होगी, उसके बाद हमें परमिट अप्लाई करना होता है, उसके लिए उनकी वेबसाइट पे जाके मनी डिपॉजिट होता है, फिर परमिट्स बनते हैं। तो एक स्ट्रीमलाइन करते करते सिस्टम को टाइम लगेगा जी। ऑफ़ कोर्स स्टाफ जो हमारे पास चंडीगढ़ में ज़्यादा होता है, वो दो एरिया का बहुत था, एक हिमाचल एक उत्तराखंड का। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग वापस चले गए थे, दे हैड नो एम्प्लॉयमेंट, तो उनको बुला रहे हैं जी वापस। आपने रेंट का कहा, दैट इज़ अनदर इशू, बिकॉज काफ़ी इंडस्ट्री स्पेशली रेस्टोरेंट चेन जो होती हैं वो रेंट्स पे आती हैं। अब लॉकडाउन के दौरान क्या रहा, आफ्टर लॉकडाउन क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, बट इसमें समय लगता है जी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होते हुए। तो कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में वापस से वो जो क्राउड जाया करता था पब्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में ड्रिंक और डाइनिंग इन करने के लिए, वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब तक वो जा पाएगा? देखिए मूवमेंट, जैसे रेस्टोरेंट्स खुले थे कुछ महीना पहले, तो मूवमेंट तो थोड़ी है, बट उस लेवल पे आते हुए कुछ समय लगेगा, बिकॉज नेचुरली एक इशू तो है ही, बट एक लेवल पे उस आते हुए स्लो एंड स्टडी वी आर ऑन द वे टू प्रोग्रेस, कुछ समय लगेगा उस पे आते हुए, बट आ जाएंगे जी होपफुली। तो अगर SOPs और स्पेशल MHA की जो गाइडलाइंस हैं फॉर द डाइन इन रेस्टोरेंट्स, वो आप जैसे कि पब्स हैं, बार्स हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स और बार एंड रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइंस हैं या किस तरीके से वो फॉलो करी जाए? देखिए गाइडलाइंस आई थी रेस्टोरेंट्स के लिए, वही SOPs हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा हाई ऑन क्लिनलीनेस वैसे ही होती है जी, तो वो गाइडलाइंस कुछ बहुत मुश्किल नहीं थी हमारे लिए फॉलो करनी। ऑफ कोर्स कुछ गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग की या पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस पेंडेमिक, तो वो हम लोग कर लेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑफकोर्स इट्स एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, बट देन जो करना है वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी, वो बिल्कुल होगी, मैनेजेबल है, वो हो जाएगा। सर आपके सवाल स्टाफ्स की, जैसे कि आपने बात की कि उत्तराखंड और हिमाचल से मैक्सिमम स्टाफ था जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चंडीगढ़ में इन्वॉल्व था, तो उनके लिए का स्पेशल कोई बात करी गई है कि वो उनको बुलाया जाए या स्पेशली उनके लिए कोई प्रोवाइड करें जिससे वो आ सके? इसमें ये हो रहा है कि कई जगह अभी भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो व्यक्तिगत तौर से मैं अपना बता सकता हूँ कि वी हैव टोल्ड आर एम्प्लॉयज़ जो हिमाचल वगैरह में थे कि आप टैक्सी करके आ जाइए, विल पे फॉर इट। तो एक इनिशिएटिव सबको लेना पड़ेगा, बिकॉज उनको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, एंड जैसे मैंने कहा थोड़े समय में सेटिंग बनते बनते इट विल बी होपफुली सूनर देन लेटर जी। तो वी कैन एक्सपेक्ट विद इन अ वीक ऑल्सो द सिचुएशन कैन, यस नेक्स्ट वीक विल बी बेटर, द वीक आफ्टर दैट विल बी मच बेटर, द वीक आफ्टर दैट मच मच बेटर।